हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और फिर मैं आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके बीच में पहुंच चुका हूं। और आज मैं जाने वाला हूं नेशनल पार्क, जो कि यहीं है मुंबई में बोरीवली में, और रेलवे स्टेशन के एकदम नियर अबाउट है। 5 मिनट का पैदल रास्ता है वहाँ से, और आप ऑटो वगैरह लेके भी आ सकते हो। बाकी तो आप किसी को भी यहाँ पे इजीली बाई बस, बाई ऑटो, बाई ट्रैक इजीली आ सकते हो, पूछ सकते हो। और यहाँ पे क्या चार्जेस रहेंगे, क्या रहेगा, वो भी मैं आपको आज के ब्लॉग में बता ही दूँगा। और यहाँ देख सकते हो मैं हूँ और मेरे स्वीट एंड बनंदोनी बाइक मेरे साथ। तो आज हम दोनों जाने वाले हैं यहाँ पे घूमने, और यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे काफ़ी ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, जो कि है बुद्धिस्ट की कैब्स है यहाँ पे। तो वो वाली कैब मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा, और साथ में जंगल सफारी भी है यहाँ पे, और पार्क भी है, बोटिंग वगैरह भी है, काफ़ी कुछ है अंदर। यानी पूरा दिन मान के चलो, सुबह हो गए तो शाम हो जाएगी यहाँ पे इजली। और बाकी टाइमिंग ये वो मैं आपको सारा बता दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो चलते हैं आपको आज लेके नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, और आप देख सकते हो, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए भी जगह है। और यार एंटर करते हैं, हमको यहाँ पे कैब्स वगैरह दी, क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा धूप है। अभी मई मंथ है और काफ़ी धूप है, तो 100 रुपीज़ की इजली यहाँ पे मिल जा रही थी। और यहाँ पे मैं आपको टिकट का बता दूँ, तो एडल्ट के लिए 94 है, किड्स के लिए 50 रुपीज़ है, और बिलो 5 ईयर फ्री एंट्री है। और अगर आप अपनी साइकिल लेके अंदर जाते हो तो 37 रुपये हैं साइकिल के चार्जेस। और अगर आप अंदर जाके साइकिल बाय करते हो तो उसका 2 घंटे का 80 रुपये है, और 300 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। तो वैसे आप साइकिल में भी इजली कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम 2 बंदों की टिकट यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर ये एंटर करते ही बसेस भी जाती हैं वहाँ के लिए, और शेयरिंग टैक्सी भी जाती है, पर्सनल भी जाती है, डिपेंड है आपके ऊपर। बट बस में काफ़ी सस्ता है, बस में आपकी टिकट लगेगी यही 5-6 रुपया एक बंदे का। तो पहले हम जा रहे हैं कनेरी कैब के लिए, और उसके बाद फिर हम सफारी वगैरह और बाकी देखेंगे वापसी में, बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जाने लगे हैं कनेरी कैब के लिए। तो वहाँ तक बस का सफ़र आपका रहने वाला है मेन गेट से लेकर कनेरी कैब तक 5-6 किलोमीटर का। तो उसको बस में ट्रैवल करने में लग जाते हैं अप्रोक्स 15 से 20 मिनट का टाइम कनेरी कैब तक का। और अभी हम पहुंच चुके हैं कनेरी कैब के यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने को काफ़ी ज़्यादा स्टॉल हैं, और काफ़ी कुछ चटपटा वगैरह है, खीरे वगैरह। गर्मी का मौसम है तो अच्छा लग रहा है, ठंडा पानी वगैरह, नींबू पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। आप देख सकते हो कितना कुछ है, तो आप यहाँ पे इजीली कुछ भी खा सकते हो। 20 से 30 रुपये के बीच में हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं कनेरी कैब, और यहाँ से अभी हम यहाँ तक बस इजीली मिल जाती है, और टैक्सी भी मिल जाती है, और शेयरिंग भी मिल जाती है, साइकिल भी मिल जाती है, जैसे भी आपको सही लगे। और अभी हम यहाँ से पैदल पैदल चल रहे हैं ऊपर, तो फिर ऊपर जाके टिकट वगैरह हो गया। तो चलो, वो यहाँ पे बंदर वगैरह काफ़ी रहते हैं, तो थोड़ा सावधान रहे बंदरों से। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही आ गया हमारा टिकट काउंटर। यहाँ पे पर पर्सन की टिकट रहती है 25 रुपीज़, बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे 25 रुपये के बंदे के, तो हम 2 बंदे थे, 50 रुपये लगा। और जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह, पीने का पानी, और कैंटीन सी भी है खाना वगैरह खाने के लिए। अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे अंदर, थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो। फिर जैसे हम ऊपर को चढ़ते हैं तो ये केव्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं, और इनको देखते ही क्या ही आप खुद ही फील कर सकते हो कितनी ही खूबसूरत केव्स हैं। और जो कनेरी केव्स हैं, ये बौद्ध धर्म की प्रतीक हैं, और यहाँ पर लगभग 109 गुफाएँ हैं। और ये जो इतनी भी केव हैं, ये सारे बौद्ध धर्म की शिक्षा हीनयान तथा महायान का बौद्ध कला दर्शाती है। और ये जो आपकी कनेरी केव्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुद्धा की काफ़ी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है, लगभग 80 फीट की प्रतिमा है ये वाली जो यहाँ पर बनी हुई है।
और यहाँ पे ऐसी ही है इस गुफा नंबर में, यानी काफ़ी आपको ऐसी ये कलाएं चित्रकारियां देखने को मिलेंगी जो आज भी सही सलामत है काफ़ी हद तक, जहाँ पे आप इनको देख सकते हो। और अंदर को ये हॉल सा है जहाँ पे मेडिटेशन हुआ करती थी यहाँ पे बैठ के, और यहाँ से आपको मुंबई का भी अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे चलते जाओगे। और छोटी छोटी काफ़ी छोटी मोटी मिला के एक स्नो केव्स है, तो पूरी तो घूम पाना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, बिकॉज उसमें बीच में कुछ केव्स जो हैं वो टूट भी चुकी हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ गाइस कि बंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो बंदरों से प्लीज़ ज़रा बच के रहिए, बिकॉज़ वो पास आकर पर्स से ही आपके छीन के, या बैग होगा वो आपसे छीन कर उसमें से खाने का सामान निकाल कर ले जाते हैं। ज़्यादा मैंने देखा जो ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे बंदर ज़्यादा उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और ये उस समय पानी के लिए इन्होंने देखो कैसे चट्टानों के बीच में ये बनाए हुए थी नालियाँ सिर्फ छोटी छोटी, और यहाँ कर पानी इकट्ठा होता था जो आज भी यहाँ पर इकट्ठा है पानी, तो काफ़ी अच्छी टेक्निक थी। और ये आ गया हॉल, डाइनिंग हॉल है यहाँ पर, ये उनका उस समय यहाँ पे बैठकर खाना खाया करते थे जो भी यहाँ पे बहुत भिक्षु रहा करते थे और जो मेडिटेशन वगैरह किया करते थे, तो वो यहाँ बैठ के इस डाइनिंग हॉल में खाना खाया करते थे। और ये बुद्धा की है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है बुद्धा की जो यहाँ पे दर्शाई गई है, बट कुछ हद तक ये खंडित भी हो चुकी है, बट फिर भी काफ़ी अभी भी देखने में आप फील कर सकते हो बुद्धा की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो ये थी कनेरी केव्स जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे लिए कोई 50 से 60 तक ही कवर कर पाए थे, बिकॉज टाइम काफ़ी हो चुका था और हमको भी वापसी में जंगल सफारी भी जाना है। और आप यहाँ पे प्रतिमाएं देख सकते हैं बुद्धा का, ये टोटली ही बौद्ध धर्म को समर्पित है यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और आप जब यहाँ आओगे तो एक अलग ही आपको फील और सुकून मिलेगा उस टाइम का, आप खुद ही फील कर सकते हो। और उसके बाद हम फिर वहाँ से निकल कर पहुँच चुके हैं अभी सफारी की तरफ, जंगल सफारी की तरफ, जो कि रास्ते में ही वापसी में पड़ देती है। और यहाँ पे आपका ये टिकट वगैरह काउंटर आ गया जहाँ पे एडल्ट के 124 रुपये है 124, और बच्चों की 50 रुपये टिकट है, तो 2 टिकट हमने यहाँ पर ले ली है। और ये AC बस है, पहले दूसरी चलती थी ऑर्डनरी, बट अब AC बस चल रही है जो कि काफ़ी ही खूबसूरत है उसके ग्राफिक्स वगैरह भी। और एंटर करते ही हमको यहाँ पे ये लॉन देखने को मिला, बट गर्मी काफ़ी थी तो अभी ये अपने नीचे छुप कर ही बैठा है गर्मी से बच के, तो इतना खास दिखाई दे नहीं रहा है। बट वैसे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे 2 लॉन दो जोन हैं, एक में टाइगर जोन है एक में लॉन जोन है, तो 2 लॉन हैं यहाँ पे और 6 टोटल टाइगर हैं, तो टाइगर 3 जो हैं वो केज में रखे गए हैं और जो 3 टाइगर हैं वो ओपन छोड़े गए हैं यहाँ पे, तो हमको वो ओपन वाले ही ढूंढने हैं, वही देखने हैं। केज वाले तो ईजिली ये दिखे जाते हैं, जो केज के अंदर टाइगर हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको फुल मस्ती मूड में हैं अभी ये थोड़ा, तो अभी हमको जो ओपन टाइगर है वो देखने हैं। तो इस करके ही यहाँ पे इतने बस में ही आप आ सकते हो, साइकिल या ऐसे नहीं आ सकते हो अंदर इसमें, बिकॉज़ यहाँ पे ओपन टाइगर छोड़े गए हैं सफारी में। तो अभी यहाँ पे हमको एक टाइगर दिख रहा है आप देख सकते हो, वो गर्मी में यहाँ पानी के पास बैठा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर आप ध्यान से। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी, बट एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, बताइए ज़रा। एक्चुअली अंदर 2-3 ही टाइगर थे, ओपन में तो एक ही टाइगर दिखा, बाकी पिंजरे के अंदर थे और एक लॉइन था। और यार जिस हिसाब से टिकट है उस हिसाब से कुछ मज़ा नहीं आया सफारी का। तो चलो अभी यहाँ पे म्यूज़ियम है वो देख लेते हैं हम जाकर, वो भी आपको दिखा देते हैं।
तो जैसे ही आप सफारी करके वापस आएंगे तो वहीं साथ में ये एक म्यूज़ियम है, अदरवाइज़ आपको पता ना चले तो आप किसी को भी वहाँ पे पूछ सकते हो ईज़िली। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा गया है म्यूज़ियम में, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी जानवर बनाए गए हैं, स्टैचू बनाए गए हैं जानवरों के, और काफ़ी नेचुरल से लग रहे हैं देखने में, एकदम ऐसे रियल से लग रहे हैं आप देख सकते हो। और ये तो काफ़ी सही लग रहा था, यानी इतनी गर्मी में भी स्नो वाली फीलिंग दे रहा था ये वाला स्नो लेपर्ड। तो आप यहाँ भी ईज़िली विज़िट कर सकते हो, घूम सकते हो। एंड देन आफ्टर फिर हम बाहर निकले, यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी तो हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, यहाँ पे नींबू पानी वगैरह पिया, और उसके बाद हम जाने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी तो टोटली यार थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।